लेकिन तभी गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने दांडी यात्रा निकालकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। तो हम भी आज उन्हीं के आदर्शों का अपनाकर शांति एवं अहिंसा को अपनाएंगे और इस सारे जगत को शांति का पाठ पढ़ाएंगे। अरे आतंकवाद तो खत्म हुआ, जमाना वो पुराना था, चलो अब देखे वर्तमान में होते हुए हिंसा की कथा। चलो तो अब हम देखते हैं एक सर्वसाधारण जीवन की सर्वसाधारण व्यक्ति के जीवन में होने वाली हिंसा। ओ पांचवी मी काय सांगू तुम्हाला, अर्धा दर्जाला
अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? घर में मिलेगा सबको मिलेगा। देखो आधा घंटा पानी है, अगर हर एक पाँच पाँच मिनट पानी भर सकते तो हर एक को पानी मिल सकता है। ऐसे झगड़े को किसी को पानी नहीं मिल सकता, और किसी को कम पड़ा तो हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। देखो आप सब लोगों ने कोई भी समस्या का हल हिंसा या झगड़ा नहीं होता। हम समस्या का हल अहिंसा के मार्ग से भी निकाल सकते हैं। अरे देव गाड़े कधी जाऊन राहिल्या, सिंगल लागे ना लागले लागे असं जात। अरे रे अरे बाबा दिखता नाही आहे क्या, बीच में आ जा तो। माफ कर गुरी, माफ कर, गिर जाती ना मैं, चलो हटो मुझे लेट हो रहा है। माफ कर गुरी, माफ कर। लागले म्हाताऱ्याला भाजी पडली राव। अरे गलती तो मेरी थी, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझसे माफी मांगी, मुझे वापस जाना चाहिए। अगर माफ कर पूरी, मैं मुद्दा माय मध्ये आलो। नहीं बाबा आपको लगा तो नहीं? लागले पूरी थोड़े लागले। तुम्ही तुम ना जरा मला माफी का मागितली। अगर पूरी भांडून काय होणार, भांडून काय होत नाही राव, भांडल्याने आपलंच भलं होत नाही आणि दुसऱ्याचं पण नुकसान होतं आणि आपलं पण नुकसान होतंय। दीपक को हमें जलाना होगा, नहीं रहेगा तब अंधियारा जो है अब तक होगा।